Hello everyone, how are you doing? I hope you all are doing well. Today we start our new chapter, chapter number 18, part 18, आज का काम. ठीक है? इस पार्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है? पहले पार्ट में हम कहानी पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम प्रश्न उत्तर करेंगे. ठीक है? तो चलिए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, देन हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे. ये बच्चों, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि यह क्या है? बताइए ये कौन सा चित्र है? बताइए. यस, इसमें बहुत सारा पानी होता है. पानी को निकाला जाता है किसकी हेल्प से? रस्से और बाल्टी की हेल्प से. ठीक है, तो बताइए यह क्या है, किसमें से पानी निकालते हैं? यस, कुएं से. किसमें से निकालते हैं? कुएं से. तो यह क्या है? कुआ. ओके, तो मैंने अभी बताया था आपको और अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये कौन सा चित्र है? बताइए ये कौन सा चित्र है? यस, इसको हम कई चीजों में प्रयोग करते हैं. क्या है ये? जिसे हम कुएं से पानी निकालते हैं, किसकी हेल्प से निकालते हैं? इसकी मदद से निकालते हैं, रस्से की मदद से. इसकी मदद से? रस्से की मदद से. तो ये क्या है? रस्सा. क्या है? रस्सा. तो आइए देखते हैं पाठ 18 आज का काम की क्या कहानी है रस्से और कुएं की. चलिए देखते हैं. ओके, तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं. पाठ 18 आज का काम. आओ पढ़ो. पेज नंबर 96. पेज नंबर 96. एवरीवन ओपन पेज नंबर 96. ओके, रमन नाम का एक लड़का था. एक लड़का था जिसका नाम क्या था? रमन. वह बहुत आलसी था. आलसी मतलब लेजी, जिसको हम काहिल भी बोलते हैं. उसके परिवार में केवल माँ थी. केवल मतलब सिर्फ. एक लड़का था जिसका नाम था रमन और वो बहुत ही लेजी था, आलसी था. उसके परिवार में सिर्फ माँ थी. सिर्फ मतलब केवल माँ थी उसके घर में. बेचारी बहुत मेहनत करती. जो उसकी माँ थी वो बहुत ही मेहनत करती थी, लेकिन रमन कुछ भी काम नहीं करता था. लेकिन जो उसका बेटा था वो कुछ भी काम नहीं करता था. एक बार माँ ने दुखी होकर कहा. अब एक बार उसकी माँ क्या बोलती है अपने बेटे से? बेटा, अब तो तू बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा कर तो ठीक रहेगा. मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. मेरे बाद तुझे कौन खिलाएगा? कुछ नहीं तो कोई एक काम ही नियम से कर ले. अब उसकी माँ, जो रमन की माँ थी, उसे दुखी होकर बोलती है कि बेटा अब तो कोई काम धंधा ठीक से कर ले. ठीक है, और अपनी जिंदगी, मेरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और मेरे बाद तुम्हें कौन खिलाएगा, इसलिए कुछ नहीं तो कोई एक काम ही अच्छे से कर ले, नियम मतलब कायदे से. ठीक है. रमन को माँ की यह बात मजाक लगी. नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये सब चीजें, जब अपने बेटे को माँ अपने बेटे को बोलती है तो रमन को वो चीजें बहुत ही मजाक लगती हैं. उसने कहा, ठीक है माँ, अब से उठते ही एक लोटा पानी पिया करूँगा. उसने मजाक में अपनी माँ से फिर बोल दिया कि अब मैं रोज सुबह उठते ही एक लोटा पानी पिया करूँगा. माँ बोली, इसे भी नियम से कर तो अच्छी बात है. रमन रोज सवेरे उठता और एक लोटा पानी पीता. अब रमन क्या करता था? रोज सुबह उठता था और पानी पीता था. फिर माँ से कहता, माँ मेरा आज का काम पूरा हो गया ना,
माँ कहती, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया। जब वो रोज एक लोटा पानी पीना शुरू कर दिया उसने, तो उसकी वो अपनी माँ से बोलते हैं कि आज का मेरा काम हो गया। तो उसकी माँ क्या बोलती है कि हाँ बेटा बहुत अच्छा हो गया। या देखिए कैसे रमन जो है वो चारपाई पर लेटा हुआ है और माँ उसकी कैसे काम कर रही है। ठीक है, इस पिक्चर में भी देखिए कैसे रमन जो है अपनी माँ की देखभाल कर रहा है। ठीक है, दिन गुजरने लगे लेकिन रमन का नियम चलता रहा। अब गुजरने मतलब दिन निकलते रहे और रमन का वही काम चलता रहा, एक लोटा पानी पीने का। अचानक माँ बीमार हो गई। अब एक दिन क्या होता है, उसकी माँ बीमार हो जाती है, या देखिए। ठीक है, इसलिए पानी भरने नहीं जा सकी, उसकी माँ पानी भरने नहीं जा सकी। सुबह घर में पानी एक बूंद नहीं थी। ठीक है, अब जब सुबह होती है तो रमन को तो पानी पीना होता है, तो उसके उनके घर में एक बूंद भी पानी की नहीं होती। रमन ने सोचा चलो मैं पानी ही भर लाऊं। अब रमन सोचता है कि चलो मैं पानी ही भर लाता हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे वो अपनी माँ की हेल्प कर रहा है। ठीक है, और पानी लेने चला जाता है। वह पानी का डोल मतलब लोहे की गोल बाल्टी, ये देखिए कैसे लोहे की उसने बाल्टी पकड़ी हुई है, और रस्सा लेकर कुएं पर गया। रमन ने कुएं में डोल डाला पर हाथ से रस्सा छूटकर कुएं में गिर गया। अब जैसे ही वो डोल रस्से से बांधकर उसमें गिराता है, जिसमें कुएं में, तो उसका हाथ से छूट जाता है। उसने मन में सोचा माँ क्या कहेगी कि कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता, यह तो ठीक नहीं। रमन दूसरा रस्सा ढूंढने लगा पर रस्सा नहीं मिला। तो उसका रस्सा कुएं में गिर जाता है, वो दोबारा से रस्सा ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। उसने माँ को नारियल के रेशों से रस्सा बांधते हुए देखा था। माँ ने नारियल के रेशे सुखा रखे थे। रमन चुपचाप रस्सा बनाने बैठ गया। बनाने में थोड़ा समय लगा पर वह काम करता रहा। जैसे तैसे रस्सा बना लिया। अब उसने अपनी पूरी मेहनत से जो रस्सा था वो, रेशे का जो रस्सा था वो बना लिया। क्यों? क्योंकि वो कुएं से पानी निकाल कर लाना चाहता था। दूसरा बर्तन लिया और कुएं से पानी निकाला। रोज की तरह पानी पिया और बर्तन लेकर लौट चला। रास्ते में एक शहर का आदमी मिला। उसने पूछा, अरे भाई यह रस्सा क्या बेचने के लिए है? तो जब वो वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि क्या बोलता है कि यह रस्सा क्या बेचने के लिए है। रमन ने बोला, रस्सा 10 रुपये में दूंगा। अब रमन क्या बोलता है कि यह रस्सा मैं जो है वो 10 रुपये में दूंगा। तो यह देखिए कैसे उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है और वह दोनों रस्से की बात कर रहे हैं। उस आदमी को सौदा सस्ता लगा तो उसने रस्सा तुरंत खरीद लिया। अब उसका जो रस्से का उसने रेट बताया उसको बहुत ही सस्ता लगा, उसने उसी टाइम ही उसे खरीद लिया, तुरंत मतलब फौरन। फिर पूछा, ऐसे रस्से और कितने हैं? अब वो जो आदमी था वो रमन से पूछता है कि ऐसे रस्से और कितने हैं आपके पास? रमन बोला, अभी तो नहीं है लेकिन कल 10 रस्से तैयार करके दे सकता हूँ। तो रमन उस आदमी से क्या बोलता है, अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं कल 10 रस्से बनाकर दे सकता हूँ। दूसरे दिन रस्से देने का वादा करके रमन अपने रास्ते चल दिया। अब वो आदमी से वादा करके वहां से चल देता है। घर पहुंचकर रमन ने 10 रस्से बनाकर तैयार कर लिए। अब रमन ने जो वादा करता है उस आदमी से, उसे वादा निभाने के लिए वो 10 रस्से जो है वो तैयार
कर लेता है। दूसरे दिन शहर ही आया। अब वो दूसरे दिन शहर आता है, उसने 100 रुपये दिए और 10 रस्से ले गया। उस आदमी ने उसे 10 रस्से दिए और आदमी ने सॉरी 100 रुपये दिए और रमन ने उसे 10 रस्से दे दिए। शहर में रस्सों की बहुत मांग थी। अब शहर में क्या होता है कि रस्सों की बहुत ही मांग होती है। देन अब रमन रस्से बनाकर बेचने लगा। जब रमन ने धीरे धीरे ये काम शुरू किया तो वह रस्से बनाकर बेचने लगा। रमन को बराबर पैसे मिलने लगे, इसलिए वह जल्दी जल्दी रस्से बनाने लगा। जैसे ही वो रस्से बनाता था उसके रस्सों की बहुत ही ज़्यादा बिक्री थी, उसे पैसे मिलते थे और वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा और रस्से जल्दी जल्दी बनाकर बेचने लगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, कैसे उसने अपनी मतलब उसकी माँ ने कैसे उस जब वो सुबह लोटे के साथ पानी पीता था तो कैसे उसकी वहाँ से कहानी जो है वो चेंज हुई। ठीक है, अब देखिए वो रस्से बेचने लगा और पैसे कमाने लगा। अब उसका मन भी खाली बैठने से उठ गया था। अब जो जैसे जैसे वो धीरे धीरे काम कर रहा था उसका मन भी उसका खाली बैठने से मन जो था वो उबने लगा। उब मतलब थकने लगा। काम तेजी से चलने लगा। जो उसका काम चल रहा था वो बहुत ही तेजी से चल रहा था। कौन सा? रस्से बनाने का काम। माँ को भी आराम मिलने लगा। उसने अपनी कमाई से माँ का उपचार किया, उपचार कराया, उपचार मतलब इलाज कराया। घर की गरीबी भी धीरे धीरे दूर होने लगी। वह माँ से कहता, माँ तुम्हारी सीख से मुझे बहुत सुख मिला है। माँ बोली, बेटा इस नियम को छोड़ना मत, अगर तुम रोज नियम अनुसार काम करोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। तो देखिए उसने उसकी माँ ने रमन की माँ ने कैसे उसे एक जब उसके नियम को नियम जैसे छोटे से नियम से शुरू किया और कैसे वो एक बड़ा मतलब पैसे कमा जो कि रमन था वो पैसे कमाने लग गया। ठीक है कि बच्चों, जैसे कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, लेजीपन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आलस करना एक बुरी आदत है, बुरी चीज़ होती है। आलस करने से हमें कभी सफलता नहीं मिलती। हमें अपने जीवन में नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि रमन ने वो रोज़ सुबह उठकर पानी पीता था, उसने एक नियम बनाया कि मैं रोज़ सुबह उठकर पानी पिया करूँगा और आराम से रहा करूँगा। लेकिन उसके एक नियम ने कैसे उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो पूरी चेंज कर दी। ठीक है, इसलिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए और अपनी आदतों को सुधारना चाहिए ताकि हम कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकें। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसके शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ, शब्द अर्थों को बहुत ही अच्छे से पढ़ें और इनको याद करें। आलसी, काहिल, लेजी, केवल, सिर्फ, नियम, कायदा, रूल, डोल, लोहे की गोल, बाल्टी, तुरंत, फौरन, उप, थकना, उपचार, इलाज। ठीक है, इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लें। अब तक क्या सीखा? मौखिक। इन प्रश्नों को अब हम एक बार पढ़ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। अब आप मुझे इनके आंसर्स बताइएगा। रमन के परिवार में कौन कौन था? बताइए कौन कौन था रमन के परिवार में? यस, कौन कौन था? यस, उसकी माँ थी। कौन था रमन के परिवार में? उसकी माँ थी। रमन कैसा लड़का था? बताइए कैसा लड़का था रमन? आई नो यू नो द आंसर। कैसा लड़का था? यस, बहुत ही लेजी लड़का था, बहुत ही आलसी लड़का था। रमन आलसी लड़का था। रमन को माँ की कौन सी बात मजाक लगी?
उसको कौन सी बात मजाक लगी थी बताइए, कौन सी लगी थी? यस बताइए। तो क्या लगती है उसे जब उसकी माँ उसे समझा रही होती है कि तू कोई काम तो नियम से कर ले, ठीक है? उसे कितना कुछ बोलती है काम के लिए। रमन रोज सवेरे क्या करने लगता था बताइए, क्या करने लगता था? यस, वो रोज सुबह उठकर पानी पीने, एक लोटा पानी पीना उसने शुरू कर दिया था। रस्सा कुएं में गिरने पर रमन ने क्या सोचा बताइए, रमन ने क्या सोचा? यस, क्या सोचा था रमन ने? उसने क्या सोचा था? वो यह सोचने लग गया था कि उसकी माँ क्या सोचेगी कि इसको कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता, ठीक है? अब प्रश्न टू लिखित, प्रश्न टू लिखित इज योर होमवर्क, ठीक है? यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, यह आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।